नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। फैसला आ गया, लैंडमार्क डिसीजन, लेकिन कार्रवाई के अंदर मलफूफ या छुपी हुई कहानी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि फैसले के असरात किस पर क्या होंगे। भारत में एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर निशाने पर, अदरीब अब्बास का मामला तो अभी निपटा नहीं, लेकिन मोहम्मद रिजवान निशाने पर आ गए, क्यों ये भी आपको बताएंगे। पाक भारत मैच के स्टेडियम को उड़ाने की धमकियां देने वाला गिरफ्तार, ये कौन है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे नवाज शरीफ के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, रनडाउन आपने सुन लिया, पहले ज़रा जो खबरें हैं नॉर्मल खबरें उन पर बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था पाकिस्तान के क्रिकेटर बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने। 130-31 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली, बैट कैरी किया, पाकिस्तान का मैच जितवाया, बहुत बड़ा स्कोर किया, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड कायम कर दिया, सब अपनी जगह। मैच के बाद मोहम्मद रिजवान जज्बात में आ गए, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपनी जो सेंचुरी थी उसको मौसूम कर दिया, मनसूख कर दिया या उनको डेडिकेट कर दिया इसराइली जारियत का शिकार फलस्तीनियों के। भारत में एक तूफान बपा है, इस पर खूब उनके खिलाफ उनके लते लिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको निकाला जाए, ICC इसका नोटिस ले, फला। आपको याद होगा भारतीय टीम पिछला जो वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख्याल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, उस वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरी थी तो उन्होंने भारतीय फ़ौज की टोपियाँ पहन रखी थी। सियासत वो थी, ये सियासत नहीं है, ये एक आम क्रिकेटर के अपने जज्बात का इजहार है, वो मनसूब कर रहा है। वो उसने फलस्तीनियों पर भारतीय हमलों की, माफ़ कीजिएगा, इसराइली जो बर्बरियत है, जारियत है, उसकी कोई मुज़म्मत नहीं की, एक अपने जज्बात का इजहार किया और अपनी सेंचुरी उनसे मनसूब कर दी, उनको डेडिकेट कर दी। लेकिन खाली मोहम्मद रिजवान ही परेशान नहीं है या मोहम्मद रिजवान ही को दबाव में नहीं लाया जा रहा या उनके खिलाफ ही तूफान बपा नहीं है, नोबेल प्राइज वाली अरुंधति रॉय जो हैं वो गिरफ्तार हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया था 13 साल पहले, एक ट्वीट कश्मीर के हक में जो पाकिस्तानी मौक़ को सपोर्ट करता था, उस बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें पकड़ लिया गया। भारत को हम एक आइडियल रियासत एक ज़माने में दुनिया भर में भारत अपने आप को पेश करता था, जहाँ तहरीर और तकरीर की मुकम्मल आज़ादी थी, जो भी कुछ कह दें आज़ादी थी। भारतीय फिल्मों में वो अपने भगवान को क्या क्या कुछ कह जाते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, अरुंधति रॉय गिरफ्तार हो गई, देखते हैं मामला अब चलेगा। इसी से जुड़ा एक और मामला है नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का मैच है गालबन संडे को, मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ दिनों को, बस मैच देखता हूँ, क्रिकेट का शौकीन हूँ लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से फॉलो नहीं कर पाता हूँ शेड्यूल। मैच से पहले एक साहब ने ईमेल पर एक धमकी दे दी और उसने स्पेशल ब्रांच को गालबन ईमेल भेजी थी, भारतीय स्पेशल ब्रांच, उसको धमकी दी कि मैं स्टेडियम उड़ा दूँगा बारूद से। स्पेशल ब्रांच ने इस बात को की तस्दीक कर दी है और कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाला जो शख्स है वो आदि मुजरिम है नाज़रीन, उससे पहले उस पर एक रेप का मुकदमा चला है। अब देखिए जो आदमी, और वो इंतहा पसंद जुनूनी किस्म का है, भारतीय शहरी इंतहा पसंद हिंदू कह लें, इंतहा पसंदी फ़रोग पा रही है, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन अब एक इत्मीनान की बात यह है कि वो गिरफ़्तार हो गया, उसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के इलाके धार से था, रियासत मध्य प्रदेश बड़ी रियासत है भारत की उत्तर प्रदेश के बाद, उसका एक ज़िला है धार, वहाँ के किसी गांव का रिहायशी था, किसी शहर का रिहायशी था। बहरहाल अब एक इत्मीनान की बात है कि वो गिरफ़्तार हो गया। पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी अलबत्ता अभी भी पाकिस्तान को परेशान कर रही है, वजारत खारजा ने 2 रोज़ पहले हुकूमत को ख़त भी लिखा है कि ये मामला जो है भारतीय हुकूमत के साथ टेकअप किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी पर पाकिस्तान को अभी भी खदशात हैं। कोई बात नहीं, चले खैर देखते हैं। अब आते हैं नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानिब, बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है कोई शक नहीं, पहली बार पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया है। इस फैसले के 3 असरात हैं नाज़रीन, पहला असर तो यह है कि आईन सुप्रीम है,
इसका दूसरा इम्पैक्ट यह है कि पार्लियामान बालादस्त है, पार्लियामान का हक है कानून साजी करना जो माजी में नहीं दिया जा रहा था। इसी केस में और मुख्तलिफ केसेस में यही जो जजेस जिन्होंने मुखालफत की अभी वही पार्लियामान के हक कानून साजी पर कदगन भी लगा चुके थे और ये करार दे चुके थे कि पार्लियामान इस किस्म की कानून साजी नहीं कर सकती। ये तीन असरात हैं इस फैसले का, लेकिन इसका एक चौथा असर भी है, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन आपको ये बताते हैं कि गुज़िश्ता दो रोज़ में जो कुछ भी हो रहा था उससे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो मैं तौहीन अदालत जो है वो उससे डरता भी हूँ, अदालत का एहतराम करता हूँ और इस बात के हक में हूँ कि अदालत पर जो है जो तनकीद है वो उसका एक पराया होना चाहिए, खास पराया, और अदालत को गालियां नहीं बकनी चाहिए जैसे बहुत सारे लोग बकते हैं। लेकिन नाज़रीन गुज़िश्ता दो रोज़ की जो कार्रवाई है मैंने उसको बहुत माइन्यूटली मॉनिटर किया। एक बात समझ में आई कि जजेस जो हैं वो आइन और पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले जजेस एक तरफ थे, कुछ जजेस दरमियान में थे जो ना इस तरफ थे ना उस तरफ थे, और कुछ जजेस जिसको बदयाली सोच का नाम दे दिया गया है उस तरफ थे। और वो पांच जजेस थे वो सब जानते हैं उनके नाम, उनके रिमार्क्स जो थे, उनके सवालात जो थे वो इंडिकेट कर रहे थे। नाज़रीन ये बड़ा संजीदा चूँकि मामला है, इस पर बहुत एहतियात से भी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये कहा गया कि पार्लियामान की नीयत ठीक नहीं थी, पार्लियामान ये नहीं कर सकती, पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार नहीं कम कर सकती, तो जाहिर सी बात है वो जो शख्स मेरे जैसा शख्स जो जमहूरियत पर यकीन रखता है उसको इन रिमार्क से ज़रूर तकलीफ हुई, क्योंकि तमाम ममालिक में पार्लियामान ही बालादस्त है। हाँ, पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट क्रिएट की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मदाखलत नहीं हो सकती। मसलन कि जजेस किस बुनियाद पर फैसला देगा ये कानून साजी नहीं हो सकती, जज के कंडक्ट को देर बहस लाया जाएगा ये कानून साजी नहीं हो सकती, जज को इम्पीच किस तरह से किया जाएगा यह कानून मौजूद है चूँकि इसके खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जज को निकालने का अख्तियार दे दिया गया तो फिर एक मुसीबत आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। इसीलिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तसव्वुर भी मौजूद है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मौजूद भी है। इसका एक और इम्पैक्ट है नाज़रीन जो मैं समझ पाया हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, खैर वो हमारे एक दोस्त हैं, वो ये बता रहे थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ताल्लुक लाहौर से है, कराची में उनकी शादी हुई और बेगम उनकी लाहौर में रहती है, उनका घर भी लाहौर में है, लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट के जज बन गए, पता नहीं कैसे बने, ये मुझे नहीं पता इसकी कहानी ज़्यादा, क्योंकि मैंने पिछले 6-7 साल से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग छोड़ रखी है। लेकिन वो आइन और कानून की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट में मदाखलत नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, इफला है। और पाँच जजिस के जो रिमार्क्स थे उनसे मेरे जैसे ले मैन ने जो आइन और कानून को बस थोड़ा बहुत समझता है जिससे काम चल जाए उसका, वो उसको जो समझ में आती थी वो ये थी कि जी आइन और कानून बनाना भी सुप्रीम कोर्ट ही का काम है। हालांकि अगर आप आइन पाकिस्तान पढ़ें तो आइन बनाना, उसमें तरमीम करना, कानून बनाना और उसमें तरमीम करना सोल राइट है पार्लियामान का, और पार्लियामान आवाम की इज्तमाही दानिशगाह है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कहते रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी कहते रहे और जजेस भी ये कहते रहे। जब पार्लियामान की नीयत पर भी शक किया गया जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामान की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, उन्होंने ये कहा कि मौका तो दें फिर आगे आएंगे, अपील का हक भी जो है वो अपील के हक पर बहुत बात की गई, जैसे आयशा मलिक खास तौर पर जोर था उनका, लेकिन शायद जो है वो बरसबीर का एक बात मेरे जहन में आ गई है कि हमने आज तक तारीख में बरादरान यूसुफ़ का नाम सुना था, लेकिन अब डिक्शनरी में एक और लफ्ज़ का इजाफा हो गया है मेरी डिक्शनरी में, वो है ब्रदर जजेस। ये लफ्ज़ शायद बहुत अरसा पहले भी कहीं सुना लेकिन अब तवातुर के साथ ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होने लगा। दूसरा है मास्टर ऑफ रोस्टर, मास्टर ऑफ रोस्टर, चीफ जस्टिस तो ये कहते हैं कि मास्टर ऑफ रोस्टर तो अल्लाह ताला ही हो सकता है, पार्लियामान भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हो सकते हैं। वो फायज ईसा साहब ये यकीन रखते हैं और कहते रहे कि एक आदमी मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि मास्टर की इस्तलाह अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होती है। मैं इसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो ये मामला जो उठाए गए उससे नाज़रीन एक मेरी आम आदमी हूँ, वैगनों में भी सफ़र करता हूँ, बसों में भी सफ़र करता हूँ, बाइक पर भी सफ़र करता हूँ, दोस्तों के साथ गाड़ियों में भी जाता हूँ, लोगों के साथ जब डिस्कशन करता हूँ आम थड़े पर बैठ कर, तो जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि सारा का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है,
और पार्लियामान का कोई इख्तियार नहीं है, फिर पार्लियामान अवाम की इज्तिमाई दानिशगाह नहीं है, मुजरमों का इकट्ठा है। ये तासुर बाकायदा पुख्ता करने की कोशिश की गई। तो एक तासुर तो ये जो दो रोज़ में पक्का करने की कोशिश की गई, उसके नतीजे में आइनी जज और बंदियाली या जिनको ईमानदार भी कह रहे हैं बाद लोग, अब वो बहुत तकसीम बाजी हो गई है। और मेरा ये ख्याल है कि और चीफ जस्टिस साहब के साथ जिस तरह का एक गुज़िश्ता रोज़ एक यूँ समझिए कि एक तनाज़ा सा सामने आया, वकला को बार बार टोका गया, बात नहीं करने दी कि उन वकला को जो इसके बिल के हक़ में दलाल दे रहे थे अटॉर्नी जनरल समेत, तो चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि सवाल इनको बात करने दें। लेकिन आगे से ये भी जवाब आया कि सवाल करना मेरा हक है। जी आपका हक है सवाल करना, आप माई लॉर्ड है, लेकिन ज़रा वकील भी कोई चीज़ होता है, उसको जब तक वो दलील मुकम्मल ना करे फैसला कैसे हो सकता है। बहरहाल तो ये तकसीम बहुत वाज़े हो गई और चीफ जस्टिस साहब के लिए मेरी नज़र में ये पैगाम है कि मुस्तकबिल में उनके लिए और मुश्किलात हो सकती हैं। ऐसे मामला जिनमें सुप्रीम कोर्ट को यकसू होना होता है, वहाँ चीफ साहब जो हैं वो उनको एहतियात से काम देना होगा, क्योंकि तकसीम बहुत वाज़े है। ये भी हो सकता है कि जस्टिस फायद ईसा के बाद जब एजाजुल हसन साहब सरबराह बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, तो फिर कोई जो है वो पिटीशन आ जाए और वो आज के फैसले को रिवर्स कर दें, क्योंकि ये फैसला रिवर्स हो सकता है मेरी नज़र में। सुप्रीम कोर्ट के आज इस वक्त जो मौजूद जज हैं उनकी तादाद 15 है, लेकिन जो उसकी असाइंड स्ट्रेंथ है वो 17 की है। 18वां जज रखा जा सकता है एडहॉक बेस जज। तो अगर 17 जज मुकम्मल हो गए और उस वक्त ये फैसला बदल गया, तो ये तो मुस्तकबिल की बातें हैं, मुस्तकबिल तो मुस्तकबिल ही जाने, इसका जवाब तो आने वाले वक्त के पास है। लेकिन ये बड़ा नाज़रीन अहम नुकता है कि आगे जाकर ये चेंज हो सकता है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके साथ डाइवर्सिटी अच्छी बात होती है, इख्तलाफ़ राय होना अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ आइन और कानून को समझने में का मामला है, यहाँ कोई जातियात तो नहीं है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी लगा कि शायद जातियात पर बात हो रही है। यही नाज़रीन मेरी राय है कि ये सब अच्छा नहीं है। और ये तासुर पुख्ता हुआ है जो मैंने भी आपको बताया, अब अगले दिनों में ये तासुर दूर होता है या नहीं ये तो देखने की बात है। लेकिन अब आते हैं नाज़रीन खबर की जानिब। पहली खबर तो ये है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन शायद ना लड़ सके, क्योंकि जो जजमेंट्स एंड रिव्यू एक्ट है उसमें नाअहली की मुद्दत तो 5 साल कर दी गई। वो नाअहली नवाज शरीफ की नाअहली तो PTI ने कराई थी, बल्कि सिराजुल हक साहब ने कराई थी, पहले पिटिशनर वो थे, फिर शेख रशीद भी पिटिशनर थे। लेकिन दूसरी नाअहली जहांगीर तरीन की, वो जहांगीर तरीन कहते हैं मैंने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया था और किसी अदालत ने उनको नहीं बुलाया। हनीफ अब्बासी की पिटिशन में इनसाइडर ट्रेडिंग में उनको नाअहल किया गया। अब वो दोनों खैर एक ही जगह पर हैं, जहांगीर तरीन भी नून लीग के साथ और हनीफ अब्बासी तो नून लीग का हिस्सा है। उनको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट में जो है वो मौसर माजी कानून शादी कोर्स जो है वो 7 के मुकाबले में 8 जजेस ने रद्द किया है। जस्टिस फायद ईसा और उनके साथ 6 साथी ये समझते थे कि ये हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े दूरदर्श नतज के फैसले थे और ये फैसले भी मुनासिब नहीं थे। लेकिन बहरहाल मौसर बमादी कानून शादी चूँकि दुनिया भर में समझी जाती है कि अच्छा नहीं होता, अच्छी नहीं होती, तो इसलिए जो है वो मौसर बमादी कानून शादी की वजह से अब शायद नवाज शरीफ साहब को जो अपील है उनकी, उसका फैसला भी नहीं हुआ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील उनकी चल रही है, वकील बदलना पड़ेगा। ख्वाजा हारिस तो नवाज शरीफ को छोड़ गए, तो इसलिए अब जो है वो उस अपील के फैसले तक नवाज शरीफ साहब शायद इलेक्शन ना लड़ सके, अदालत में एक दरख्वास्त भी उनको देनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता। 2 रोज़ पहले मैंने इस खदशे का इजहार किया कि शायद उनको 2 से 2.5 साल लगे इलेक्शन लड़ने में। नून लीग इसको कैसे कुकअप करती है ये अगले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नादी ने इस हवाले से कि इम्पॉर्टेंट खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बड़ी खबर, उन्होंने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को ये बना कर दिया है कि PDM हुकूमत की कामयाबियों का तस्करा ना करें। PDM ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, खारजा पॉलिसी में अच्छे काम थे उनके, उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, एनवायरनमेंट के हवाले से उन्होंने अच्छा काम किया, फिर फाइनेंशियल उसके हवाले से बहुत सारे सख्त फैसले करना पड़े उन्हें। लेकिन नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जी PDM और PDM प्लस पीपल्स पार्टी हुकूमत थी, वो ये कहते हैं कि PDM हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकता, इस पर बात ना करें, उसकी कामयाबियाँ ना गिनवाएं। वो ये कहते हैं कि मैं उम्मीद पाकिस्तान बनकर आ रहा हूँ, तैयारे का नाम भी उम्मीद पाकिस्तान रख दिया गया जो उन्होंने बुक कराया है 21 अक्टूबर के लिए दुबई से। तो वो ये कहते हैं कि जो मेरे दौर की उनकी ये हिदायत है कि जो मेरे दौर की कामयाबियाँ हैं उनको गिनवाया जाए,
कि कब क्या हुआ और कैसे हुआ और यूँ मैंने आया और मैंने यूँ कर दिया, वो मुझे याद आ गया जब कुवैत पर हमला हुआ था। आज मैं किसी दोस्त से ये कह भी रहा था कि जब कुवैत पर इराक का हमला हुआ तो नवाज शरीफ साहब जहाज लेकर निकल पड़े और 56 मुल्कों का दौरा उन्होंने किया। और फिर नून लीग ने उस वक्त, नून लीग नहीं हुआ करती थी, मुस्लिम लीग हुआ करती थी, उसने तासुब दिया कि जैसे सामने से मिजाइल आता था और नवाज शरीफ साहब के जहाज को देख के रास्ता बदल लेता था। अब इसराइल की सूरत हाल है तो आप नवाज शरीफ साहब अगर इकतदार में होते तो यकीनन वो फिर गैर मुल्की दौरे पर निकल पड़ते। लेकिन इस पर याद आ गया, वो फिर कल एक खबर करेंगे उस हवाले से। लेकिन ये अब और इसका इफेक्ट यह देख लीजिए नवाज शरीफ साहब की हिदायत का कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा दो रोज से इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे पीडीएम के हवाले से। अगले दिनों में हो सकता है नून लीग पीडीएम का नाम भी लेना छोड़ दे। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।